रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खात्री ने मंगलवार को लता बाबा आजीविका स्वायत्त सहकारी महिला समूह शीशो और कृषि यंत्र निर्माण केंद्र सुमाड़ी का निरीक्षण किया। साथ ही महिला समूह के साथ बैठक कर उनके द्वारा तैयारी किए जा रहे उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहतर बाजार मूल्य दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को काम करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे अमरनाथ लड्डुओं को केदारनाथ धाम में कैनोपी के माध्यम से बेचने के भी निर्देश दिए। आज सीएलएफ लाटा बाबा का हमने निरीक्षण किया, बैठक की, पाया कि उनको जो पुराने मार्केटिंग में जो दिक्कत थी, मार्केटिंग में जो है उनका नुकसान हुआ है पिछले वक्त, तो वो लोग इस बार चलाई के लड्डू नहीं बना रहे थे। तो उन्होंने उनको प्रेरित किया है कि जो आगामी जो चुनाव बचे हैं तो उन्हें आज इस कार्य को करें। उसके साथ ही उनके जीविकोपार्जन के लिए जो अन्य गतिविधियाँ हैं कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, उन पर चर्चा की, तो उनको प्रेरित किया गया कि वो जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है उसके तहत या और अन्य योजनाओं के तहत वो आगे आए। तो हम लोगों ने जो अपने ग्रामीण विकास के लोग थे, रीत से जुड़े हुए लोग थे और जो अन्य विभागों से जुड़े हुए लोग थे, जलागम से जुड़े हुए लोग थे, उन सभी को निर्देशित किया है कि वो उनके साथ मिलकर उनको आगे बढ़ाए। और मार्केटिंग के लिए पर्टिकुलरली रीत के ऑफिसर्स को कहा है कि वो जाके उनका पूर्ण सहयोग करें। और साथ ही उनकी एक मांग थी कि वो केदारनाथ में उनको जो है आउटलेट ना हो तो कम से कम कैनोपी मिल जाए जिसमें वो अपने बेच पाए, अपने प्रोडक्ट बेच पाएँ। तो हमने कहा कि उनको जो समूह को सीआर के समूह को कैनोपी लगाने की अनुमति मांग रखी है। और पूर्व में भी हमने ऐसा किया है, बताया कि उनको आपके लिए स्टोर भी रखा हुआ है, सुविधाएँ रखी थी, आप उसको अपडेट कीजिए और अपने में समर्थ करें।